मैं तो बस वो बता रहा हूँ जो मेरी आंखों ने देखा है सच सच बताओ वो कौन थी ओए तूने खुद को क्या समझा हुआ मेरे घर की निगरानी करेगा अगर तो आईदा नजर भी आए ना छोड़ूंगा नहीं तुझे तूने मेरे पे हाथ उठाया तूने अभी मेरी दोस्ती देखी है मेरी दुश्मनी नहीं देखी ऐसा तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हें रफीक से झगड़ा नहीं करना चाहिए था नहरू हमारा रोज का काम है तुम फिक्र ना करो आओ अंदर चलो। असद मगर अंदर आओ मैं तुम्हारे लिए नया लाया हूँ मैं पता करूं क्या मतलब तो मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ मामा अगर आप जाएंगे मां क्या कहेंगे आप बैठी रहिए अच्छा तो जैसे तुम्हारे जाने से वो कुछ नहीं कहेंगे है ना नहीं किसी को तो जाना ना, ना। तो हैंडल कर लेंगी, तो ये फिलहाल मुझे जाने दें अच्छा जाओ मंदिर जाके देखो कि मसला क्या है और प्लीज मुझे भी जरा इन्फॉर्म कर देना इसको इतनी क्या फिक्र लगी हुई है तो दिल चाहे कि यहाँ से उठ के चली जाओ पता है जो मेरी सब फ्रेंड्स आई थी सब चली गई हैं पहले तो यहाँ आके इतनी बातें सुननी पड़ी और फिर दुल्हन के ना आने पर अलग बातें सुना के गई हैं तुम्हें अकेले बातें नहीं सुननी पड़ी मैंने भी बहुत बातें सुनी हैं अम्मा इसी में एक बात सोच रही हूँ कि ऐसा भी क्या हो गया कि ना दुल्हन है ना बहन है ना बाप है कुछ तो जरूर हुआ है और देखे ना इनको तो जरा मेहमान यहां है और खुद उठ के पता नहीं कहाँ चले गए यही तो मैं भी सोच रही हूँ हम आपको खुद जाना चाहिए था आपने इस दानियाल को क्यों भेज दिए जो भी अंदर जाता है वापस आने का नाम ही नहीं लेता भाई अब कह कर गया है तो कुछ देर तो इंतजार करना पड़ेगा ना अब वैसे अगर तुम जाके इन मोहल्ले से बात करके देखो तो शायद हमें कुछ बीच की बात पता चल जाए मैं इनके पास नहीं जाऊंगी आई एम सॉरी के मुंह नहीं लगती मैं अब अब इस तरह बैठने से तो कोई हल निकलने से रहा कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना हमें तुम्हारा मतलब है मैं सबको जाकर बता दूं कि मेरी बेटी भाग गई है अब्बा, मैं ये नहीं कह रही लेकिन कुछ ना कुछ तो कहना होगा ना हमें मुझे तो लगता है कि बराबर में खाला सफीना ने हमारी बातें भी सुन ली है अरे नहीं मेरे ख्याल में उन्हें अभी तक पता नहीं चला सीन ये मैं क्या सुन रही घर पे नहीं है चलास्ता बोले बाहर सबको पता चल जाएगा क्या तो आ जाएगी इस घर में बाहर सबको पता चल चुका है जिस कयामत का हम इंतजार कर रहे थे जिसका मतलब है वो आ गई है मेरे भाई साहब ये सब कैसे हो गया है? मेहरू कहाँ जा सकती है वो भी शादी वाले दिन अल्लाह जाने उसे किसने गुमराह किया मेरी बच्ची तो ऐसी नहीं थी पता नहीं अब वो कहाँ होगी आपने क्या सोचा है बाहर बारात बैठ क्या जवाब देना उन्हें मैं किसी को क्या जवाब दू मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा अरे दानियाल बेटा तुम मैं बाहर ही आ रहा था बेटा अरे तुम्हें कुछ चाहिए बेटा चाय बनवाऊ तुम्हारे लिए नहीं आंटी मैं, मैं सच सुन चुका हूं आपको मुझसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है मैं जानता हूं कि मेरे घर पे नहीं है अंकल ये क्या करें आप हमें माफ कर देना बेटा तुम्हारी अमानत की हम हिफाजत नहीं कर सके आप प्लीज इस तरह की बातें ना करें आप, आप परेशान ना हो हम हम मिल के महरू को ढूंढ लेंगे मैं आई एम sure मिल जाएगी हम हमें मिल जाएगी वो आप परेशान ना हो बिल्कुल नहीं हाँ माँ तो ये मोहल्ले वाले भी जा रहे हैं और थानेल पता नहीं अंदर कहा जाके बैठ गए ये तो मुझे भी परेशानी हो रही है फिर मसला क्या है तो आप क्या करें किसी मोहल्ले वाली औरत से पूछना पड़ेगा ना अब इन मोहल्ले वालों के मुंह लगेंगी और क्या ऑप्शन है मेरे पास आ, चुप एक्सक्यूज मी uh, बात सुने जी कहे काफी देर हो गई है शफीक भाई और नसरीन भाभी नजर नहीं आ रहे वो बेचारे कहाँ नजर आएंगे जब बेटी ही कालक थोप गई उनके चेहरे पर क्या मतलब नहीं। तो नहीं है ना वो तो शादी से पहले ही घर से भाग गई आप ये क्या कह रही हैं? मैंने खुद अपने कानों से शफीक भाई और नसरीन को रोते हुए सुना वो बिचारे तो बड़े परेशान थे छुप छुप के रो रहे थे अब के थैंक यू सबसे सबसे पहले आप, आप आई थी कमरे में जी मैं कमरे में गई थी मगर सारे सामान वैसे का वैसे था मगर मेहरू कमरे में नहीं थी आ, अगर अगर वो अपनी मर्जी से गई है तो फिर यहाँ पर कोई खत खत वगैरह तो पड़ा होगा नहीं मैंने सब कुछ देखा था कुछ भी नहीं था वहां पर इस, इसका मतलब है मतलब है कि फिर मेहरू को अगवा किया गया खुदा बेड़ा करे उसका मेरी बच्ची ने कहा अंकल आप, आप फिक्र न करें मैं मैं मेहरू को मैं मेहरू मैं को ढूंढूंगा लेकिन बेटा मैं, मैं इस वक्त क्या करूं मैं क्या जवाब कि मेरी बेटी भागी नहीं हुआ हुई है और मेरी बात का कौन यकीन करेगा मामा आई एम सो हैप्पी बहुत अच्छा हुआ हम्म जा रही है आप इस शादी का स्पेशल शो देख अंकल आप फिक्र ना करें देखें इस तरह परेशान होने से मसले का हल तो नहीं निकलेगा ना आप बेटा कैसे परेशान ना हो मैं बेटी का बाप हूँ बारात घर के दरवाजे पर खड़ी है पर बेटी गायब है। आप लोगों को अपनी इज्जत की पड़ी है और हमारी इज्जत का क्या दानियाल शट अब तुम क्या चाहते हो हम बारात लेके चुप तुम तो भूल रहे हो शायद लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद हमारी फैमिली का शुमार इस शहर की इज्जतदार तरीन खानदानों में से होता है लेकिन लेकिन बहन जी इज्जत तो सबके सांझी होती है ना एक्सक्यूज मी आपकी और हमारी इज्जत का क्या मुकाबला आपको तो इस मोहल्ले के चंद लोग जानते हैं और हमें हमें पूरा शहर जानता है तो उस किस्म की बातें ना करो ये लोग आगे ही परेशान हैं ने मुझे परेशान मत करो तुम्हें तो पता नहीं क्या हो गया दानियाल तुम तो मुझे यूं ब्लेम कर रहे हो कि जैसे मैंने उस लड़की को भगाया है भाग गई होगी अपने किसी आशिक के साथ और वैसे भी ऐसे मोहल्लों में ऐसे वाकया तो होते रहते हैं ना बेटा ना ऐसे तुनक ओ तुम्हारी होने वाली भाभी है होने वाली भाभी है नहीं ठीक हाँ जी हमारी मेहरू ऐसी नहीं है।, कोई हासा हुआ है आप कौन जी मैं मैरू की ताई हूँ ओह अच्छा तो आपको तो जरूर पता होगा जाहिर है शादी वाले घर में इतने सारे मेहमान होते हैं और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है इस घर का एक ही दरवाजा है अम, कोई भी आके मेहरू को उठा के साथ ले गया किसी को पता ही नहीं चला दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग मैरू तुम्हें भूख लगी होगी खाना खा लो मुझे कोई भूख नहीं है क्यों सच पता नहीं वहां पे क्या हो रहा होगा हम भी बाबा किस हाल में होंगे मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं तुम फिक्र ना करो सब ठीक हो जाएगा कैसे ठीक हो जाएगा सब कुछ पता नहीं बालद वापस कहीं भी है कि नहीं नहीं अभी तक तो नहीं गए वो लोग तुम्हें कैसे पता मैंने अब तो गाड़ी खड़ी हैं लोगों की वो लोग अभी तक कर क्या रहे हैं शायद चाचा जी ने बताया ही ना हो कि तुम घर पे नहीं हो लेकिन बाबा आखिर कब तक छुपाएंगे देखो मेहरु चाचा जी एक बहुत शरीफ इंसान है उनके लिए सब तो कयामत से भी बदतर है इसी बात की तो मुझे फिक्र खाए जा रही है देखो मेहरू तुम परेशान ना हो अगर तो तुम परेशान होगी तो तो मुझे कैसे चैन आएगा पता नहीं मुझे इस के साथ कब तक ये नाटक करना होगा लेकिन अभी कुछ दिन तक तो इसे बर्दाश्त करना ही पड़ेगा क्या सोचने लगी कुछ नहीं एक तो पता नहीं तुम बैठे बैठे खो जाती हो बस घर वालों के बारे में सोच रही थी छे पानी पियो अपना रंग देखो तुमने कितना जर्द किया हुआ और चलो शाबाश खाना खाओ पकड़ो ओ अभी जरा बाहर मेहमानों को तो क्या सोचा है तुमने दानियाल I'm sorry मामा मैं फिलहाल यहाँ से नहीं जा सकता Oh, for heaven's sake, इस, इस, नी, नी, क्योंकि मामा मैं पता चलाना चाहता हूँ को अगवा किया गया भाग गई है आप लोगों को जो कहना है आप लोग कहिए। लेकिन मैं पुलिस से बात कर रहा हूँ अंकल आप परेशान न हो मैं पुलिस से बात करता हूँ उन्होंने कहता हूँ कि इन्वेस्टिगेट करें और पता चलाएं कि मेहरू कहां पर है नहीं, इस पर तो क्या जादू कर दिया इन्होंने ऐसे क्या देख रहे हो यकीन नहीं आ रहा तू मेरे सामने बैठी हो मेरे कमरे में मुझे गलत ना समझना लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैंने तुम्हारे और अपने बारे में क्या क्या ख्वाब देखे हैं पूछोगी नहीं कौन कौन से ख्वाब अच्छा बताओ तुम और मैं इस घर में रहें मैं तुम्हें दुनिया की हर चीज तुम्हारे कदमों में ला के रख दूँ तुम्हें रानी बना के रखू तुम दिन को रात को हो रात को दिन तुम्हारी हर बात मानू तुम्हें इतना खुश रखू ना खुश रखू कि देखो असद मैं तुम्हारी फीलिंग्स की बहुत कदर करती हूँ लेकिन इस वक्त मैं बहुत परेशान हूँ सो प्लीज स्टॉप इट अच्छा तो बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ ऐसा करो मेरे घर जाओ क्या तू मुझे बसाओगी नहीं असद मैं भला ऐसा क्यों करूंगी देखो अगर तुम वहां पे रहोगे तो किसी को शक भी नहीं होगा और तुम वहां की सारी खबरें भी मेरे तक पहुंचा दोगे हाँ कह तो तुम ठीक रही हो लेकिन लेकिन वेकिन कुछ नहीं बस प्लीज तुम जाओ और जाकर देखो कि वो लोग अभी तक क्यों नहीं गए अच्छा बाबा तुम कहती हो तो चला जाता हूं हेरू हाँ ख्याल रखना हेलो जी इसलिक मैस्ट्री साहब दानर बात कर रहा हूँ जी जी मैं मैं बिल्कुल ठीक ठाक साहब एक एक इमरजेंसी हो गई है थैंक यू सो मच जी जी अलुदा राइट ओके ठीक है ठीक है थैंक यू अंकल अंकल मेरी एस साहब से बात हुई है उन्होंने बहुत उम्मीद दिलाई है वो कह रहे हैं कि परेशानी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और इंशाल्लाह महरू का पता चल जाएगा तो प्लीज़ आप लोग आप लोग परेशान ना हो परेशानी समझते कार नहीं निकलेगा का पता पूरी कर ली हो तो अब हम चले राश्ता मैंने सुना है कि मेहरूब भाग गई है। नहीं नहीं आपको किसने कहा आपको गलतफहमी हुई है अब ऐसी बातें छुपाने से बात छुपती थोड़ी है भला ठीक ठीक है थीक है खुदा चले खैर कोई नहीं अल्लाह बेहतर करेगा तो? तो, तो कह रहा था मैं आऊंगा ही नहीं हाँ माँ मैंने सोचा कि तुझे बुरा लगेगा इसलिए आ गया क्या हुआ माँ तू परेशान लग रही है बात ही परेशानी की है क्यों क्या हुआ घर छोड़ के चली गई है क्या क्या कह रही हैं आप हाँ सत तेरे चाचा बहुत और वो दान्याल वो अब तक यही है वो तो बहुत अच्छा लड़का है वो अपने खानदान वाले से लड़के यहाँ रुका हुआ है तुम्हारे चाचा को हौसला दे रहा है तू क्या सोचने लगा है कुछ नहीं माँ दानियाल कह रहा है कि मेरू घर से भागी नहीं है उसे किसी ने अगवा किया है और वो पुलिस को कह के, के पता करवाएगा लेकिन वो ये सब कैसे कह सकता है बेटा वो बहुत समझदार है कह रहा था कि मेरू अगर घर छोड़ के गई होती खाती या रुका छोड़ के जाती वहां तो ऐसा तो कुछ नहीं है वो कहां चला अम्मा मुझे एक काम याद आ गया मैं वो करके आता हूं <ख़िये> ये मैंने क्या कर दिया है मेरे बाबा और अम्मी उन पर क्या गुजर रही होगी? वो तो जीते जी मर गए होंगे मुझे माफ कर दीजिएगा मैं मजबूर थी। सत? हुआ है तुम इतने भुखलाए हुए क्यों मेरू ये दरवाजा क्यों बंद कर दिया तब खेल बिगड़ गया है कौन सा खेल मैंने तुम्हें अपने घर भेजा था किधर गए थे तुम मैं वहीं से आ रहा हूँ तो फिर क्या हुआ वहां बाबा कैसे हैं? वहाँ सब बहुत परेशान हैं। परेशान हैं? तुम तो मिले थे उनसे नहीं तो फिर तुम्हें कैसे पता कि वो परेशान हैं? फिर और उन्होंने कुछ और भी बताया क्या वो तुम्हारे होने वाला खावन था ना उसे चैन नहीं मिल रहा पुलिस बुलाई है उसने पुलिस लेकिन क्यों वो कहते हैं मेरे खुद नहीं भागी किसी ने अगवा किया मगर वो ऐसा कैसे कह सकता है उसका कहना है कि अगर मैं खुद जाती तो खत छोड़ के जाती लेकिन वहाँ तो कुछ भी नहीं है ये उसे लग रहा है कि तुम्हें किसी ने अगवा किया तुमने मुझे फसवा दिया मेरू फिर किसी को पता चल गया तो ये तुम क्या कह रहे हो असद अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो मेरी खातिर कुछ भी कर सकते हो अब मैंने जैसा कहा था मैं वैसा ही करूंगा तुमने कहा बात पुलिस आई सब कुछ देखकर चली गई अब सुबह तक तो यहाँ कुछ होने नहीं वाला और हमारा यूं बेमकसद बैठना कुछ मेक सेंस और वैसे भी देखो अब तक मैं तुम्हारी सब बातें मानती आई अब तुम मेरी बात मारोगे चलो अच्छा अंकल मैं।, मैं चलता हूं अंकल ये ये क्या कर रहे हैं आप धान्य बेटा मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में अगर मैं मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं आपसे अधिक कर लो इसका मतलब है कि मैंने जो सोचा वही हुआ अगर मैं वहां पर खत छोड़ आती तो आज दानियाल के जहन में यह ख्याल तो ना आता कि मुझे अगवा किया गया है <laughs> और बाबा बाबा और अम्मी भी मुझसे इतने खफा नहीं होंगे वो तो यही समझेंगे ना कि मुझे असद ने अगवा किया है लेकिन शाहनवास के आने तक मुझे असद को शक नहीं होने देना कि मैं उसे इस्तेमाल कर रही हूं तो मुझसे कितना प्यार करते हो खुद से भी ज्यादा तो फिर तुम मेरी एक बात मानोगे जो कहोगी मानूंगा असद तुम प्लीज एक बार मेरे कहने पर फिर से मेरे घर जाओ देखो मैं जानती हूँ कि यह सब कुछ तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है लेकिन मुझे एक पल भी चैन नहीं आएगा असद प्लीज तुम तुम सिर्फ वाहिद बनते हो जो मुझे उस घर की तमाम सूरत हाल से आगाह कर सकता है और अगर तुम नहीं जाना चाहते तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी ठीक है महरूब अगर तुम कहती हो तो मैं चला जाता हूँ असद तुम कितने अच्छे हो मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ मेहरू मैं तुम्हें ऊपर वाले स्टोर में ले जाता हूँ ये ना हो वापस आए और मसला हो जाए चलो भाई आ जाओ के साथ साथ लगता है इनका दिमाग भी सटे आ गया जो दिल में आ रहा है बोलते चले जा रहे मानना तुम्हारे लिए मुश्किल है लेकिन दादिया मुझ बूढ़े की इज्जत तुम्हारे हाथ में है का हाथ थाम लो। अंकल, अंकल अंकल मैं मेहरू की जगह किसी को नहीं दे सकता मैं जानता हूँ बेटा लेकिन एक का दर्द तुम तो नहीं जान सकते ये दर्द आपको आपकी बेटी ने दिया है इसमें हमारा क्या कसूर है बेटा, मैं नहीं जानता कि मेरी बेटी के साथ क्या है। लेकिन आज अगर ये बात घर से हाथ वापस चली गई मैं नहीं रह सकूंगा लेकिन लेकिन अंकल दाने मेरी सारी जिंदगी की कमाई सिर्फ बेटा तुम चले गए तो कौन आएगा मेरी दुआ का हाथ आप इस तरह हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकते चलो दानियाल, तुम भी एक लड़की हो किसी की बेटी हो होदा के वास्ते मेरी बेटियों पर तरस खाओ बेटा तरस खाने के लिए आपको मेरा ही भाई मिला है पर मामा आप कुछ बोलती क्यों नहीं है और वैसे भी हमें क्या पता कि आपकी एक बेटी ने तो शादी वाले दिन ये गुल खिलाया और दूसरी हमारे घर जाके क्या करेगी तो बिहेव योर सर क्या हुआ मत रो रही है इधर मैं बता तो अम्मा क्यों रो रही है वो अपने नसीबों को रो रही है क्या मतलब मतलब मैं तुझे बाद में बताऊंगी पहले तू तो बता तू तो कहा गया था है? घर में इतना बड़ा मसला बना पड़ा है तुम्हारी चाचा को तुम्हारी जरूरत है और तुम गायब थे अम्मा तुझे बताया तो था जरूरी काम था वहां जाना था रात को क्या जरूरी काम था अच्छा ये तो बता हुआ क्या होना क्या था तुम्हारे चाचा ने दानियाल से कहा कि वो दुआ से शादी कर ले दुआ से शादी लेकिन क्यों ऐसा बोल कोई सुन लेगा लेकिन अमात चाचा जी ऐसा क्यों कर रहे हैं अरे तू रहा ना बुद्धू का बुद्धू हैं घर आई बारात को वापस भेज दे मोहल्ले वाले क्या कहेंगे तरह-तरह की बातें करेंगे सवाल करेंगे तुम्हारे चाचा तो जीते जी मर जाएंगे अमा इसमें दुआ के का कसूर कुसूर तो किसी का नहीं है बेटा हालात ऐसे हो गए हैं वैसे भी शफ़ीक भाई दुआ के बाप है वो जो फैसला करेगा बेहतर करेगा और वो दानियाल मान गया नहीं अभी नहीं तो फिर चाचा जी को चाहिए उसे निकाल भाई ओहो तू तो अपना मुंह बंद ही रख मैं जाके देखती हूँ दुआ को मुझे शाहनवाज को सब कुछ बताना होगा लेकिन कैसे अगर मैंने फोन ऑन किया तो पुलिस को मेरी लोकेशन का बताना चल जाए लेकिन लेकिन अगर पुलिस को पता चल भी जाए तो मैं तो नहीं फंसूंगी अली फंसेगा ना हाँ ठीक है मुझे शाहनवाज को सारी बताना होगा हेलो हेलो ये मेरी जान कैसी हो तुम शानवास मैं आपसे बहुत सख्त नाराज हूँ आप कहाँ पर हैं मैंने आपको कितनी कॉल्स की आई एम सो सॉरी मेरी जान मुझे पता है तुम मुझसे नाराज होगी लेकिन क्या बताऊँ यहाँ आते ही मेरा फोन गुम गया किसी से पाकिस्तान में सिफारिश करवाई उसने सिम निकलवा के यहाँ भेजी किसी के हाथ तब फोन करने के काबिल हुआ वापस आपके बगैर मेरे साथ यहाँ पर क्या क्या हुआ है मैं आपको कैसे बताऊँ क्यों क्या हुआ सब ठीक तो है ना कुछ भी ठीक नहीं है जानवास जल्दी बताओ महरू क्या हुआ मुझे टेंशन हो रही है और जो टेंशन मुझे हुई है उसका क्या अच्छा बाबा कहाँ ना I'm sorry माफ कर दो आपको पता है मेरी शादी हो रही थी मुझे इतनी मुश्किल से अपने ही घर से भागना पड़ा क्या बा... लेकिन क्यों आप पूछ रहे हैं क्यों क्या मैं उससे भी शादी कर लेती अरे नहीं भाई मतलब है कि इतना इंतहा कदम उठाने की क्या जरूरत थी मैं से बात करती उनको सच बता देती क्या था इसमें? ये सब कुछ आपके लिए कहना आसान है लेकिन मेरे लिए ये सब कुछ करना बहुत मुश्किल है लेकिन इस वक्त तुम कहां हो अपने एक कजन के घर में कजन कौन कजन है मेरा एक आशिक शाहनवाज अरे आप तो माइंड ही करके मैं तो मजाक कर बेवकूफ सा कजन है इसलिए उससे मदद ले ली आपके जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली रह गई थी मैं क्या करती शाहनवाज आप मुझसे नाराज हैं नहीं

बड़ा एहसान किया तुमने मुझे यह सब बता के वैसे असूली तौर पर यह सब तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था अपने उस कजन से हेल्प लेने से भी पहले मैं भी जिंदा हूं मरा नहीं हूं शाहनवाज आप ऐसे तो मत गए मुझे बहुत काम है ओके? हेलो? मे मेरी बात तो सुने यहाँ किस मतों का लेखा हमें ओ पढ़ना वाह बेटा बेटा इस तरह रोने से काम नहीं चलेगा अब्बा को इस तरह उनके सामने भीख नहीं मांगनी चाहिए थी मेरे लिए मेरे बच्चे तुम्हारा पाप मजबूर है ऐसी भी क्या मजबूरी अब्बा ने मुजरा मेरी ही नजरों में गिरा दिया है। बेटा, वो ऐसा क्यों सोच रही है मेरी बेटी जिस घर में जाएगी ना वो घर खुशियों से भर जाएगा

नहीं ताई अम्मा मुझे तो लगता है कि मैं अपने अब्बा की औलाद ही नहीं हूँ उन्होंने सारी जिंदगी सिर्फ मेहरू का ख्याल किया और अब भी तेरे बाबा भी तुझे उतना ही प्यार करते हैं तो अपना दिल मेला ना कर अच्छा अगर वो मुझसे इतना प्यार करते हैं तो उन्होंने दानियल की फैमिली के आगे इतनी भी क्यों मांगी मेरे लिए तो दिल करता जमीन पर जाओ मैं इसमें समा जाऊं ना मेरी जान ऐसा नहीं कहते तुम्हारी मां बाप मजबूर हैं वो जो कुछ भी कर रहे हैं तुम लोगों की भलाई के लिए कर रहे हैं नहीं चाहिए मुझे ऐसी भलाई कोई चलो बस कर चुप कर जा मेरी बच्ची शाहनवाज मुझसे नाराज हो गए हैं लेकिन क्यों मैंने ऐसा किया ही क्या है उन्हें मेरे बारे में सोचना तो चाहिए था मैं किस सब कुछ मैनेज कर रही हूं क्या उन्हें मेरा असद के साथ रहना अच्छा नहीं लगा हाँ यही बात होगी लेकिन मैं भी क्या करती मेरी मजबूरी थी उन्हें समझना चाहिए ना लेकिन अब अब मैं उन्हें कैसे समझाऊं कैसे यकीन दिलाऊं कि मैंने जो भी किया है उनके और अपने लिए ही किया है क्या करूं मैं कहां पे गई तुम तो चुप ही रहो चले मामा चलो रुको दानियाल मैंने बहुत सोचा है मैं इस नतीजे पे पहुंची हूं कि साहब की बात मान लेनी चाहिए क्या yeah. तुम दुआ से शादी कर लो